so in this video i am going to share one of the most important topic of law and ethics company law chapter number 20 from director section that is omen director omen director this is your lecture number 37 and uh, this topic already appeared in december 2018 examinations which is carries 5 marks so very important for your examination point of view लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम कंपनी टू थाउजेंड थर्टीन में ओमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट आया कहा गया कि कुछ कंपनी में एक ओमेन डायरेक्टर को रखना पड़ेगा कुछ कंपनी में एक ओमेन डायरेक्टर को रखना पड़ेगा क्या सभी कंपनी को रखना पड़ेगा नो नो सर कुछ कंपनी के लिए ये एप्लीकेबल है तो कुछ कंपनी में कौन सी कंपनी आता है तो फिर कहा गया जितने भी लिस्टेड कंपनी है जितने भी लिस्टेड कंपनी है वहाँ पर ओमेन डायरेक्टर होने चाहिए वहाँ पर ओमेन डायरेक्टर होने चाहिए वो भी एटलीस्ट वन वो भी एटलीस्ट वन तो मैक्सिमम भी रख सकते हैं क्या यस मैक्सिमम हो सकते हैं मैक्सिमम अपॉइंटमेंट हो सकते हैं और फिर कहा गया मैक्सिमम फिफ्टीन डायरेक्टर फिफ्टीन डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड इन लिस्टेड कंपनी एज ओमेन डायरेक्टर राइट फिर कहा गया कोई भी पब्लिक कंपनी हो कोई भी पब्लिक कंपनी हो हो और उसके पेड ऑफ शेयर कैपिटल कितने होना चाहिए एक सौ करोड़ या फिर इससे ज़्यादा एक सौ करोड़ या फिर इससे ज़्यादा पेड ऑफ़ शेयर कैपिटल इन शॉर्ट यू कैन से पी यू एस सी पी यू एस सी पेड ऑफ शेयर कैपिटल जहाँ पर एक सौ करोड़ और उससे ज़्यादा है वहाँ पर भी एक ओमन डायरेक्टर को रखना पड़ेगा ठीक है देन फिर कहा गया कि जिसका जिस कंपनी का जिस लिस्टेड कंपनी का टर्नओवर ओवर तीन सौ करोड़ या फिर इससे ज़्यादा टर्न ओवर तीन सौ करोड़ या फिर इससे ज़्यादा हो रहा है टर्न ओवर मीन्स सेल्स ग्रॉस रिसिप्ट टर्न ओवर यू कैन से सेल्स और ग्रॉस रिसिप्ट राइट तो टर्न ओवर जिसका तीन सौ करोड़ जिस कंपनी जिस लिस्टेड कंपनी का तीन सौ करोड़ से ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर भी एक ओमन डायरेक्टर रखना चाहिए ठीक है सो

टेस्ट ऑडिटेड फीनेंशियल रिक्वेड फिनेंशियल रिपोर्ट रिक्वेयर शाल बी टेकन इन टू अकाउंट फॉर अपॉइंटमेंट राइट सो फॉर दिस पर्पज द पेड ऑफ कैपिटल और टर्न ओवर आज ऑन द लास्ट डेट ऑफ लाइफ टेस्ट ऑडिटेड फिनेंशियल रिपोर्ट शाल बी टेकन इन टू अकाउंट फिर कहा गया कि जो कंपनी इन कॉरपोरेटेड होता है अंड ऑफ द कंपनी एक्ट साल कंप्लाई विथ सर्च अपॉइंटमेंट ऑफ वोमेन डायरेक्टर विद इन हाउ मेनी पीरियड ए पीरियड ऑफ सिक्स मंथ विद इन ए पीरियड ऑफ सिक्स मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इन कारपोरेशन ए कंपनी इन कारपोरेटेड द कंपनी एक्ट साल कंप्लाई विथ सर्च अपॉइंटमेंट ऑफ ओमेन डायरेक्टर विद इन ए पीरियड ऑफ सिक्स मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इन ये सब पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा इसमें एम भी आ सकता है ठीक है देन फिर कहा गया एनी इंटरमीडियन वैकेंसी ऑफ ए वोमेन डायरेक्टर शाल बी फाइल ऑफ बाय द बोर्ड एट द एर्स्ट बट नॉट लेटर देन इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और थ्री मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी विच एवरिज लेटर हुइच एवरेज लेटर स अगर कुछ इंटरमीडियंट वैकेंसी हो रहा है ओमेन डायरेक्टर का देन दैट शाल बी फाइल अपर्ड बोर्ड बोर्ड फिलअप कर सकते हैं एट द एर्स्ट बट नॉट लेटर देन एट द एर्स्ट बट नॉट लेटर देन इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और थ्री मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सर्च वैकेंसी विच एवरेज लेटर राइट सो ओनली few points and conditions need to be remembered in case of women director as per section 149 subsection 1 section 149 deals with women director section 149 149 deals with women director section is very important you need to remember section section 149 deals with women director then सेक्शन वन फोर्टी नाइन सबसे हर एक कंपनी जो लिस्टेड है वहाँ पर एक वोमेन डायरेक्टर होना चाहिए और अदर पब्लिक कंपनी जिसका कि पेड ऑफ सर कैपिटल एक सौ करोड़ या इससे ज्यादा होना चाहिए या फिर टर्न जिसका तीन सौ करोड़ या फिर इससे ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर एक ओमेन डायरेक्टर होना चाहिए ठीक है और उसके इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना ऑफ सर कैपिटल जो है और टर्न ओवर है उसे लास्ट डेट ऑफ लाटेस्ट ऑडिटेड फिनेंशियलमेंट को स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा देखना पड़ेगा फा लास्ट डेट ऑफ और लास्टेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट लास्ट डेट ऑफ और लास्टेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट शाल बी टेकन इन टू अकाउंट देन फिर कहा गया कि ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट शाल कंप्लाई विथ सच अपॉइंटमेंट ऑफ वोमेन डायरेक्टर विद इन ए पीरियड ऑफ सिक्स मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इन कारपोरेसन फिर कहा गया एनी इंटरमीडियंट वैकेंसी ऑफ ए वोमेन डायरेक्टर शाल बी फाइल ऑफ बाई द बोर्ड एट द एर्येस्ट बट नॉट लेटर देन इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और थ्री मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सर्च वैकेंसी हुई एवर इज लेट राइट सो दिस इज इट ऑल अबाउट वोमेन डेट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड हैप्पी स्टार्टिंग